बिग बॉस में होता है नॉमिनेशन टास्क, सबको एक एक टीम में बांट दिया जाता है। एल्विश और मनीषा एक टीम, जिया और अभिषेक दूसरी, और पूजा और बेबिका तीसरी टीम। एक एक टीम से एक एक सदस्य जाकर बाकी घर वालों के बारे में कड़वी सच्चाई बताएगा, और ये सेशन 27 मिनट्स का होगा। जब टीम का एक मेंबर एक्टिविटी एरिया में सच बता रहा होगा तो दूसरा बाहर बैठ कर 27 मिनट पूरे होने का इंतजार करेगा और फिर एक गोंग बजाएगा। जिसका अंदाजा सबसे करीब होगा वो नॉमिनेट नहीं होगा और जिसका गलत होगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। नॉमिनेशन की शुरुआत पूजा और बेबिका की टीम से होती है। बेबिका अंदर भड़ास निकालने के लिए जाती हैं और पूजा बाहर 27 मिनट्स गिन रही होती है। इस दौरान बाकी लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि काम नहीं आता है। बेबिका सभी घर वालों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, अभिषेक की भी तारीफ करती हैं, प्यार भरी बातें कहती हैं, जिसके बाद घर वाले अभिषेक को छेड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब समय पूरा होता है तो अभिषेक और पूजा ने बेबिका की तारीफ की और उनसे दिल जीत लेने की बात कही। फिर जिया शंकर एक्टिविटी एरिया में जाती हैं। इधर सबने अभिषेक का ध्यान भटकाना शुरू किया, मनीषा रानी भी अंदर गई और एल्विश ने समय गिनना शुरू किया। अब इसके बाद बिग बॉस ने बताया कि किसने कितना समय लिया। पूजा भट्ट ने 30 मिनट 24 सेकंड, अभिषेक ने 39 मिनट 55 सेकंड और एल्विश ने 38 मिनट 48 सेकंड का समय लिया। ऐसे में बेबिका और पूजा ने अभिषेक को ज्वाइन किया और बाकी तीन नॉमिनेट हो गए। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।